अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग अपना इंटरसेक्शन वाला जो ऑप्शन है एलिमेंटर के अंदर वो वापस लेके आ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आ रही थी कि हम अब एलिमेंटर इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर इंटरसेक्शन का ऑप्शन की बजाय कंटेनर का ऑप्शन शो हो रहा होता है, जो कि अपडेट के बाद शो हो रहा है, राइट? तो उस ऑप्शन की लोगों को समझ नहीं आ रही और इंटरसेक्शन लोगों को नज़र नहीं आ रहा वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आप एलिमेंटर में एक टाइम में एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या आप इंटरसेक्शन वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं या फिर कंटेनर वाला ऑप्शन। कंटेनर वाला ऑप्शन अपडेट के बाद आया है और इसके अंदर काफ़ी एडवांस फीचर्स हैं। अगर आपको नहीं पता किस तरह से कंटेनर वाला फीचर यूज़ करना है तो आप चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं, या लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, उसको जाके देख सकते हैं, आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी कि कंटेनर वाले ऑप्शन को किस तरह से यूज़ करना है और क्या क्या एडवांस फीचर्स उसके अंदर आ चुके हैं। बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स को ओल्ड वर्जन ही यूज़ करना है जो कि इनर सेक्शन वाला है, तो उसको वापस किस तरह से लेके आया जा सकता है आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये दिखाने वाला हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप लोग इनर सेक्शन वाले ऑप्शन को एलिमेंटर के अंदर वापस इनेबल कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए, हमारे पास इनर सेक्शन वाला ऑप्शन नहीं है जबकि ये कंटेनर वाला ऑप्शन है। अगर मैं इसको रीलोड भी कर दूं एक दफ़ा तो आप स्टिल देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कंटेनर का ऑप्शन ही नज़र आएगा, इनर सेक्शन वाला ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखें, स्टिल ये कंटेनर वाला ऑप्शन है। तो हमें क्या करना है, सिंपल अपने वर्डप्रेस के अंदर जाना है, एलिमेंटर के अंदर जाना है, सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको, और उसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ ये वाले ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। सिंपल आपने फीचर्स के ऊपर क्लिक करना है। फीचर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर, ये डिफ़ॉल्ट पे होगा, ये एक्टिव होगा, तो आपने इसको क्या कर देना है, सिंपल इनएक्टिव पे क्लिक करके डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी डिवेल्प्ड है, डिज़ाइंड है, तो उसके ऊपर जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो अगर कुछ चीज़ें, कुछ एलिमेंट्स जो कि कंटेनर वाले सेक्शन से बनी होंगी आपकी वेबसाइट के अंदर, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी और इनर सेक्शन वाला ऑप्शन वहाँ पर आ जाएगा, राइट? तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी वेबसाइट का बैकअप ले लें। अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी डेवलप्ड है, अप एंड रनिंग है, तो उसके एक बार बैकअप ले लें और बैकअप पे जाके स्टेजिंग वेबसाइट के ऊपर ये वाली चीज़ इंप्लीमेंट करें। अगर आपकी वेबसाइट न्यू है और न्यू डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको बिना किसी प्रिकॉशन के डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, डीएक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। डीएक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने मेक श्योर कर लेना है कि ये वाला फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर डीएक्टिवेट हुआ है कि नहीं। हो चुका है, सेव चेंजेस कर देंगे। सेव चेंजेस करने के बाद अगेन मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि ये इनएक्टिव है। उसके बाद हम जाते हैं अपने एलिमेंटर के अंदर और इसको रीलोड करेंगे तो हमारा जो इनर सेक्शन वाला ऑप्शन है वो वापस इनेबल हो जाएगा और कंटेनर वाला ऑप्शन जो है वो गायब हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे देखें, हमें उसी तरह का सारा लेआउट जो कि हमारे पास ट्रेडिशनल पुराना लेआउट था वो उसी तरह से आ चुका है। यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं, इनर सेक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं सेम जिस तरह से आप पहले यूज़ कर सकते थे। बट स्टिल आपको अगर कंटेनर के बारे में जानना है किस तरह से उसको यूज़ करना है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नई अपडेट्स उसके अंदर आए हैं, क्या नए फीचर्स हैं जो के आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकते हैं, तो चैनल के अंदर जाएं, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है बहुत ही डिटेल के अंदर, उससे जाके आप इसको सीख सकते हैं। तो आई होप आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई होगी। किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने एक व्हाट्सएप नंबर भी मैंशन किया हुआ है, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं ताकि मेरी टीम आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम्स है या किसी भी तरह की सर्विसेज चाहिए होंगी तो वो आपको प्रोवाइड कर देगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।